अपने घर आने पर खुश आमदेद कहता हूं और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मीडिया ने जिस तरह पज़ीराई दी, मैं आपका भी ममनून हूं। और सच्ची बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, 2-2.5 साल पहले मैंने जब सियासत शुरू की थी, आज से 20-22 साल पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू की थी, लेकिन एक ऐसा फैसला आया जो मेरी मजबूरियाँ, कुछ फैमिली की कुछ और मजबूरियां थी, जो मैं समझता हूं, मैं अक्सर मीडिया पे भी कहता हूं कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूं। और पॉलिटिकल वर्कर से जब कोई फैसला हो जाए, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं जब खान साहब आए थे मेरे घर, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूँ, मैं कल भी भुट्टो वाला हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड। तो मैं इस हवाले से मैं फिर समझता हूँ, मैं अपने घर आया हूँ, मुझे इंतहाई खुशी है, ये सब लोगों को भी पता है कि मुझे कितनी खुशी है, और मेरे हलके के लोग भी, और मेरी एग्रीकल्चर क्लास, जिम्मेदारा क्लास जो इस वक्त पिस रही है, जो उनके मुझे मैसेज आए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा काश्तकार का मुकदमा लड़ा है, वर्कर का मुकदमा लड़ा है, पीपल्स पार्टी का वर्कर हो उसका भी मुकदमा लड़ा है, हमारे वर्कर हमारे सासा होते हैं। तो मैं PTI में भी गया था, तो मैं पुराने वर्करों की बात करता था, मुझे पता है कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी की फैमिलीज थे, जो PTI में 18 साल से गए हुए थे, अरशद दाद का मैं नाम लूंगा, नवीद वड़ैच का नाम लूंगा, नूर कल्यार का नाम लूंगा, लाहौर से अली इम्तियाज हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी पीपल्स पार्टी की फैमिलियाँ थी, लेकिन वो गए, लेकिन मैंने उनका हाल भी देखा। तो मैं आप मुतमिन हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी क्यादत का, अपने भाइयों का, चेयरमैन साहब का, जरदारी साहब का, उनकी सारी टीम का, कि उन्होंने इज्जत दी, और इंशाल्लाह ताला ये दस्ता चलेगा, और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा, और जिए भुट्टो जरूर होगा।